हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाइव स्टार बिजनेस फिनांस लिमिटेड की। दोस्तों, यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स आ चुका है बेसिकली इस कंपनी का, और Q1 क्वार्टर में बड़ा धमाका यहाँ पे फाइव स्टार बिजनेस फिनांस लिमिटेड ने करती हुई दिखाई है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें फाइव स्टार बिजनेस जो यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स आज ही आना था और यहाँ पे रिजल्ट्स आ चुका है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की, दोस्तों तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 666 करोड़ का कंपनी यहाँ पे सेल्स करती हुई नजर आई है। और यहाँ पे पिछले साल 2023 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 480 करोड़ का सेल्स की थी, तो यहाँ से 480 करोड़ से तो जंप आई। इसके साथ साथ 616 करोड़ से भी जंप, यानी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी जंप आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 344 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने किया था, जो इस बार 498 करोड़ की है। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर यानी मतलब Q4 क्वार्टर के अंदर 455 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो 72% से मार्जिन 75% हुआ, और इसके पहले यहाँ पे 74% का मार्जिन था, वो भी यहाँ पे 75% होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे स्टॉक पे बिल्कुल आप नज़र बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक प्राइस पे बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल 96 करोड़ का इंटरेस्ट था और इस बार 158 करोड़ का इंटरेस्ट देने के बावजूद भी यहाँ पे कंपनी का बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कितना की है। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें दोस्तों, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर किसी भी प्रकार का एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की इस कंपनी की, तो यहाँ पे 252 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ, जो पिछले साल सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 184 करोड़ का हुआ था। तो ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है, और 80-90% के करीब करीब यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें दोस्तों, 80-90 नहीं तो यहाँ पे 75% तो जंप है ही। यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से अपकमिंग रिजल्ट्स डेट आज ही था, और दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, जो मैं परसेंटेज बताया हूँ मैं एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं, मैं एजप्शन कि इतना हो सकता है कि एक तरह से ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं जितना बोला हूँ एग्जैक्ट उतनी परसेंटेज हो। आप परसेंटेज निकाल लेना आप यहाँ पे कि कितना परसेंटेज वाइज यहाँ पे ग्रो किया है। दोस्तों अगर हम वो चीज़ दिखाना चाहें कि यहाँ पे परसेंटेज वाइज कितना ग्रो किया है तो वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अदर पॉइंट पे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले फाइव स्टार बिजनेस अगर आप देखोगे तो 22,094 करोड़ का मार्केट का फिलहाल इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। 26 की पी देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड नहीं देती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू 178 रुपया का और EPS 30.90 रुपया का है। तो यहाँ पे एक तरह से EPS काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे प्रमोटर 26.5% की होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं इस कंपनी के अंदर। बेसिकली अगर हम देखें तो यह फाइव स्टार बिजनेस फिनांस है, जो NBFC कंपनी है, जो यहाँ पे लोन एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस को अगर हम बात करें या सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। दोस्तों यहाँ पे पेट्रोस्के स्कोर 4 की रेटिंग दिया गया है, और ग्राहम नंबर प्राइस है जो 352 रुपया देखने को मिलता है। FIS एंड DIS की बड़ी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर फिलहाल देखने को मिल रहा है, और किसी भी प्रकार का प्लेजिंग परसेंटेज नहीं है दोस्तों, जो अच्छी बात है। यहाँ पे प्लेजिंग परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है इस कंपनी के पास, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं और FIS कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी स्टेक है जो FIS के पास हो चुका है 57.45% का, और यहाँ पे DIS के पास जो होल्डिंग है 6.07% का, और यहाँ पे पब्लिक के पास जो होल्डिंग 52% 53% हुआ करता था, अभी के डेट में अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो बहुत कम गया है, मात्र 9.96% की होल्डिंग हो गई है। तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग में भारी गिरावट देखने को मिला, और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की एंट्री होती हुई नजर आई। दोस्तों यहाँ पे फाइव स्टार बिजनेस फिनांस की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें
तो बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। कंपनी यहाँ पे बोरोइंग जितना बढ़ाती है उतना अच्छा एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरोइंग कंपनी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कंपनी प्रॉफिट कर रही है, रिजर्व बहुत अच्छा बना रखी है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे करती हुई नजर आई है, तो यहाँ पे 2-3 सालों में कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करती हुई दिखी है। इसके साथ साथ कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है जो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। दोस्तों यहाँ पे 5-स्टार बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 1 साल में इस स्टॉक के अंदर कुछ भी यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला है। विद इस 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में यहाँ पे 47% का रिटर्न देता हुआ नजर आया है 5-स्टार बिजनेस, लेकिन मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न भी इतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी है जो एक तरह से काफ़ी बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे 5stargroup.in करके इनकी वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर आप बात करें इस कंपनी की बेसिकली जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, तो 2023 के अकॉर्डिंग 7302 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 5-स्टार एक तरह से इनका हाउसिंग फिनांस बिजनेस भी है जो सब्सिडरी कंपनी है 5-स्टार बिजनेस फिनांस का, और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेक्टेड है FY25 के अंदर 904 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शेयर प्राइस में अगर आप देखोगे 2017 से 19 करोड़ 54 करोड़ 156 262 359 454 604 और 836 कंटिन्यू और कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा देखने को मिला है, यहाँ पे सेल्स बहुत अच्छा कंपनी का देखने को मिला है, कंसिस्टेंट देखने को मिला है, कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रहा होगा होपफुली, और यहाँ पे फिर भी स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा मूव आपको देखने को अभी नहीं मिला है। तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर इतनी अच्छी कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग करके होल्ड करके बैठ सकते हैं लंबे समय के लिए, और एक बड़ा प्रॉफिट का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5-स्टार बिजनेस फिनांस की यहाँ पे Q1 क्वार्टर का रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आया है, और मैं रिजल्ट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट भी ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ, और यहाँ पे अगर हम देखें कि कंपनी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम चलें यहाँ पे नेट कैश फ्लो की, तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 ईयर से आप नेट कैश फ्लो कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव में देख सकते हैं। 727 करोड़ 194 करोड़ आपको देखने को मिला है, देख सकते हैं 2023 में भी और 2024 में भी दोनों ईयर में कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में देखने को मिला है। इसके पहले भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे बीच में मार्च 2022 में निगेटिव में देखने को मिला, मार्च 2018 में निगेटिव में देखने को मिला। तो यहाँ पे बेसिकली 5-स्टार बिजनेस फिनांस का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया हूँ, और यहाँ पे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।